दोस्तों आज हम आपको बताते हैं टॉक्सिक लेडी की मौत का रहस्य। मिलेरिया रमरेज नाम की एक महिला को टॉक्सिक लेडी के नाम से जाना जाता है। ये महिला रूप से कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। 19 फरवरी 1994 में उस महिला को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ग्लोरिया सर्वाइकल कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी। हॉस्पिटल के स्टाफ ने नोटिस किया कि ग्लोरिया के शरीर पर एक खास तरीके का तैलीय पदार्थ बाहर निकल रहा है। जांच के बाद उस ब्लड सैंपल में कई अजीब कण पाए गए। बाद में उस महिला का इलाज कर रहे सभी स्टाफ मेंबर्स की मौत हो जाती है। कुछ वक्त बाद ग्लोरिया नाम की इस महिला की भी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद कई जांच एजेंसी जांच करती हैं, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकलता सिवाय इस सवाल के कि इस घटना के पीछे आखिर रहस्य क्या है। ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट जानने के लिए आप हमारा चैनल RR इंफोटेनमेंट देखें।